चंदौली के विकास खंड शहबाजगंज के करनवल गांव के रहने वाले उदय नारायण राम का पूरा परिवार इन दिनों दहशत की साए में जी रहा है। उनके घर के ऊपर से छत से बिल्कुल सटकर 11,000 वोल्ट का नंगे तारों को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह हाई टेंशन तार घर के आंगन में महज 8-10 फीट ऊपर से गुजर रहा है, जिस कारण परिवार में दहशत का माहौल रहता है। बिजली के धारा प्रवाहित गुजर रहे नंगे तारों के चलते लोगों को अपने घर में रहने का भय बना रहता है, लेकिन विद्युत विभाग अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है। अपन नाम बतावा। हमारा नाम है आरती, यहाँ का हम लड़की है। कौन गांव हो? करनौल। साहबगंज ब्लॉक में पड़ेला? हाँ। क्या समस्या है? समस्या यह है कि भूम ले जाने के यहाँ का हम लड़की है, भैया के लाइन मार दे सुतार ना मुँहले से बचना कहाँ पूरा लाइन से तो जाने मर जी बचा तब वो न हटी। पैसा एक भी देवल है 20,000 कर्जा ऋण करके कहाँ कितनों लाख से लीक कर दे बजा लाइन न हटी। के तेरे गांव का प्रधान? मुनिराज नाम है, अही हम। अच्छा हाँ। उनके बतैले रहू? हाँ, कुल जानत हूँ मुनिराज। तो उनका गयल हम का कहत हूँ तुम हटबा न करी कितनों कोशिश करवा जे न हटी कहे हम बिल भरीला। अच्छा यही बात है। के लाइट मार दे ले रहे? बटेश्वर नाम का। बटेश्वर मार के हुआ वो के? बटेश्वर मार वही बटेश्वर के लाइन मर ले रहा के हुआ तुहार? वो हमार भैया लगा ना। भैया हुआ? हाँ। अच्छा, बिजली विभाग के कभी सूचना दे लू? बहुत कोशिश करी ना, कोई भी ना सुनो था। चकिया ले वहाँ थाने पर गई ना, जहाँ बतौले ना जा वहाँ भी गई ना, चंदौली गई ना, तनको कोई सुनता नहीं थी। बिजली विभाग जरा सा भी कोई सुनवाई नहीं करता था? अच्छा, लाइन मान के देवे बदे पैसा देना जा कर्जा ऋण खोज के तब भी कहा कि ना हटी। अच्छा, ये अगर चल जाता वहाँ तो कहाँ ले हट पाई। ठीक ठीक, यही बात पड़ता।